अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो से मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, बहुत खुशी हुई देखकर कि लोगों ने टिकटॉक नहीं यूज़ किया और गवर्नमेंट का मजाक नहीं बनाया और अपने घर वालों को और अपने आप को इस परेशानी से दूर रखा केसेस फाइल होने में। सेकेंडली, सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि किसी ने अभी तक का शाहिद अस्सर खान इफ्तारी और सहरी का पोस्ट नहीं डाला। तो इससे एक बात साबित हुई है कि अगर हम चाहें एक जैसी सोच रखने के लिए सब मिलकर ये सोच हम इकट्ठे सोचकर तय कर सकते कुछ चीज़। अब आ रहे हैं हम नेशनल लॉकडाउन के थर्ड फेज पे। अब हमको मिलकर क्या करना है वो एक बहुत सीधी सी बात है। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा मानना है ये बायो वॉर है। मैं कोई भी कंट्री को इसमें ब्लेम करना नहीं चाहती या क्या है, क्योंकि सारी दुनिया उलझी है इस बीमारी से और लड़ रही है। अब जितनी जल्दी जो देश बाहर निकलेगा, जिसकी इकॉनमी जल्द से जल्द स्टार्ट होगी, वो सबसे पहले जीतेगा। अब हमको क्या करना है कि थर्ड फेज लॉकडाउन में, ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं है। अगर आपका कोई ध्यान बटा रहा है इधर से उधर किसी का नाम लेकर, उस पर ध्यान मत दो, किसी मजहब पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये आपके गुमराह कर रहे हैं सच्चाई सामने लाने से। प्रॉब्लम ये है कि अब हमको जो करना है वो फर्स्ट नेशनल प्लानिंग क्या है सेंटर की, जो अब तक दिखाई दे रही नहीं। नेशनल फंड्स रिलीज नहीं हुआ, पीएम फंड को उन लोगों ने एकदम अलग करके रखा है, जिसमें आप हमें सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन ये गलत है और यही बात मैं आपके लिए इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि सब आवाज़ उठाओ मिलकर, कि गवर्नमेंट से पूछो कि सेंटर का प्लान क्या है, सेंटर स्टेट को फंड्स रिलीज कब करेगा और सेंटर ने क्या सोच रखा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, मिडिल क्लास के लिए और प्रॉपर बिल्डर्स बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि माइग्रेंट्स और पुअर के लिए तो वो बराबर प्लान बना के रखेंगे, लेकिन ये मिडिल क्लास और ये जो बिजनेस क्लास है, ये किसको बोलने जाएंगे कि इनका धंधा चौपट हो गया और दे आर नॉट एबल टू मैनेज इट। वेल, नाउ इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दिस एंड शो अस व्हाट दे आर ट्राइंग टू, क्या दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो आर्थिक व्यवस्था है देश की वो तो सबके सामने है और सभी इसमें झुलझ रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट इसमें फ़ायदा, वो पीएम केयर फंड का क्या हो रहा है? अगर उस पीएम केयर फंड में से आप 130 करोड़ पब्लिक को एक एक करोड़ भी दे देंगे, ऑनरेबल पीएम सर, एक साल पब्लिक घर में बैठेगी चुपचाप, आपसे बगैर कुछ मांगे। लेकिन आप सामने तो बताओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, सैल्यूट करो और योगा करो, इससे पेट नहीं भरने वाला है और घर की माली हालत ठीक नहीं होने वाली किसी की भी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट बात, तो उससे उलझाना अब बंद, अब काम की बात चलो। सो ये थर्ड फेज में यही चीज़ का हमको ध्यान रख के गवर्नमेंट से सवाल उठाना है। ये एक बायो वॉर इसलिए है कि एक वायरस सबको हिला के रखा है। जितनी जल्दी हम बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी हमारी जीत रहेगी। इसमें कोई मिसाइल यूज़ नहीं हुआ है, कोई मैन पावर यूज़ नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियर यूज़ नहीं हुआ। डो नॉट ब्लेम एनी गवर्नमेंट एन एनी कंट्री और एनी नेशन, जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज़ के कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, पुलिस मार रही है, ये कर रही है, लेकिन आप ये तो ये सोचो बैक ऑफ द माइंड में कि वो भी तो आज झुलझ रहे अपने घर बार छोड़ के, उन्होंने भी तो अपना घर पॉजिटिव कितने केसेस आ रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कौन देखेगा? और आप क्यों नहीं सुन रहे उनकी बात? अगर आपको आपके वजह से दूसरे जो घर में बैठे हैं वो क्यों भुगते? ये एक महामारी है जो गवर्नमेंट कह रही है कि अंदर रहो मीन्स अंदर रहो, इसके ऊपर देर इज़ नो इफ एंड बट। हाँ, सवाल उठा के पूछो कि ये चीज़ का क्या, जैसे अभी मिडिल क्लास लोग सब हम चिल्लाएंगे कि हम हमारी ईएमआई तो बराबर भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हैं, फ़ोन के बिल भर रहे हैं, उसमें कोई टैक्सेस भरेंगे, टैक्सेस जो आएगा उसमें तो कोई सुविधा हमको मिल रही नहीं, तो हमको भी तो हमारे बिजनेस सेटल करने के लिए टाइम होगा। ये कब होएगा? जब आप ये सब मजहबी लड़ाइयों से बाहर निकलोगे और इस जो ये प्लानिंग है उलझन में डालने का। बहुत दुख हुआ था ये देख कर के निज़ामुद्दीन मरकज़ के बाद इन्होंने पलघर को इशू बनाया, इन्होंने बांद्रा स्टेशन को इशू बनाया, इन्होंने कब्रिस्तान को इशू बनाया है और ये अब और ऐसे कितनी बार आके पता नहीं कहाँ कहाँ ये हमको फंसाने की कोशिश करेंगे। लोग कह रहे हैं कि शॉपिंग नहीं करो, इसको आप पॉजिटिवली ले लो फ्रेंड्स, क्योंकि आज आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो पैसे फजूल खर्ची में उड़ा के और खर्चा करके कल दूसरों के आगे रो के या गवर्नमेंट को चिल्ला के कोई मतलब नहीं रहेगा। जस्ट वाइजली एंड सेफली यूज़ योर मनी।
क्योंकि अगले एक साल में आपको ये चीज़ संभालनी है। 6 महीने तक तो ये वायरस का कोई ख़त्म होने का चांस नहीं है। और पता नहीं पहले तो कितने सारे फार्मर्स एग्रीकल्चर्स गुजर गए, मर गए, सुसाइड हो गए बिल्डर्स, और क्योंकि ये GST डिमोनेटाइजेशन और कितने कितने टैक्सेस की वजह से और नो प्लानिंग की वजह से। अब आने जाने वाले हाल में तो उनके अलावा कितने लोग मरेंगे जो बैंक्रप्ट हो जाएंगे, जिनके पास काम नहीं रहेगा, रोजी रोटी नहीं रहेगी। सो दैट इज़ वाई इट विल बी वेरी नाइस टू सेफली होल्ड ऑन टू ईच अदर। जितनी चाहे उतनी मदद कर लीजिए अपनी, घर वालों की, लोगों की, आजू बाजू लोगों की, अपने जो इनकम है, सेविंग्स है, उसको वाइजली इस्तेमाल करके। डोंट टेक एनीथिंग नेगेटिवली। और मजहबी खेल में तो आना ही नहीं। बेशक आपको जो चाहिए आप फेसबुक में इस चीज़ों का रिप्लाई दीजिए अपने तरीके से और चुप हो जाइए। कोई बकरा है उसके अंदर आपको रिप्लाई गंदी कमेंट देने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पहल ये जानना, पहल आप नहीं करिए इस पर। लेट अस ब्रिंग पीस, लेट अस फाइट दिस डिजीज आउट फर्स्ट। लेट अस क्वेश्चन द गवर्नमेंट के PM फंड को तुम क्यों नहीं रिलीज़ करके पब्लिक में बांट रहे। तुमने वो क्या सोच के वो 50 डिफॉल्टर्स को माफ़ किया? आज वो पैसों की ज़रूरत नहीं थी क्या? वो 50 डिफॉल्टर्स में कोई भी मुस्लिम है तो मुझे बताओ, मैं उसका गिरेबान पकड़ के पूछूंगी कि क्यों नहीं भरा भाई पैसे तुमने। इसके वजह से तो मैं और दूसरे और लोग सफ़र कर रहे हैं। सो यू सी द होल प्लानिंग इज़ अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें फॉरफिट हो रही है, प्लान हो रही है, लेकिन जो मुद्दे की बात है नेशनल प्लानिंग का, ये वायरस को कैसे हम मिलकर अप्रोच करेंगे और सुलझाएंगे प्रॉब्लम को, ये बता रहे नहीं है। PM फंड का बता रहे नहीं है। 50 डिफॉल्टर्स को माफ़ क्यों किया ये बता रहे नहीं है। वो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं पेटी पेटी इशूज़ को लेकर फटाफट सुनवाई दे रहे हैं, तारीख दे रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे की बातें हैं वो लेकर डेट पे डेट दिए जा रहे, बाद में सुनेंगे। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट करिए और पूछे सेंटर को सवाल। बहुत हो गया स्टेट को सवाल करना, बहुत हो गया मजहबी में उलझना। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सेंटर। वो इस प्लान को फेल करके, वायरस को ब्लेम करके नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पिछले से 6 साल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अब तक सबको पता है, सबने इसको झेल लिया है। सो लेट्स नॉट गेट फूल्ड बाय द गवर्नमेंट एनीमोर। Let's unitedly fight, let's concentrate on planning issues and how to save ourselves, our family, health, listen to the government and come out of this crisis and save your resources, save your money and do not do wasteful expenditure at all. Thank you so much. Allah Hafiz.